हम अपनी कला को लोगों को दिखाएं ताकि अपनी भाषा से दुनिया जुड़े और अपनी भाषा को हर आदमी प्यार करना शुरू करे, जो कि आजकल अधिकांश लोग हिंदी की तरफ बाकी भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है और उसी लेवल के आज की सोच के हिसाब से बद्री भैया ने जब से आए हैं तब से आज की जनरेशन को सोच के ये हर वो काम को करते हैं ताकि हम सब का भला हो और हमारे भाषा का भला हो। मुझे लगता है कि भोजपुरी में अगर 100 सॉन्ग रिलीज होती है तो 40 सॉन्ग तो सिर्फ बद्री झा के वजह से होती है, तो 40% का हिस्सा पूरे YouTube पे लेके घूमते हैं बढ़ावा देने के लिए। ये उसी के लिए सब ये सिलसिला चल रहा है। देखिए धीरे धीरे जब चीज़ें होगी तो मुझे लगता है कि स्कोप भी बढ़ेगा और यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा और कोशिश इनकी जो है अपने क्षेत्र को बड़ा करने की, अपने लोगों को रोजगार देने की, वो इस कोशिश में कामयाब भी हो रही है। और आप सच्चे दिल से दुनिया में कुछ भी करिएगा तो मुझे लगता है कि कामयाबी तो आपको मिलती है। मुरब्बा एक सॉन्ग था जो कि हम लोगों ने बहुत पहले शूट किया था, लेकिन अब समय के इतने सारे गाना करता हूँ कि मैं मुझे लगता है कि महीने के 4 गाने तो इन्हीं का करता हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी के सारे वो आर्टिस्ट और कलाकार जो भी हैं जो, और आज ये सबकी ज़रूरत है क्योंकि ये हमें प्रेजेंट अच्छा करते हैं, तो इनसे एक लगाव, एक पर्सनली भी लगाव है कि हमें दिखाने का जो सिलसिला इनका है वो कुछ दुनिया से डिफरेंट होता है, बाकी लोगों से डिफरेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि चीज़ें हमारी और भोजपुरी भाषा और बड़ी होती जाए। आज खेसारी नाइट्स के इसके पीछे का क्या उद्देश्य है आपका? जी के साथ ये मिलके हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा इनको कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि जैसे ये बीच में हैदराबाद गए थे और 100-100 फीट के इनके पोस्टर्स लगे हुए थे और पूरा शहर चौक हो गया था, तो वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं और इन्होंने अपनी हामी भरी और हम लोग इस सारे का खेसारी नाइट के माध्यम से बहुत जल्द बहुत सारे शोज करने वाले हैं सारे विश्व में। वो तो खेसारी जी खुद ही प्रमोट करते हैं, मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके साथ मैंने कितने सारे नए आर्टिस्टों को लॉन्च किया और इन्होंने कभी भी मतलब इनकार नहीं किया ऐसी जैसे, तो ये एक चीज़ है। जैसे कि आई थिंक शिल्पी राज ने आपके साथ पहला गाना गाया था अपनी तो जैसे तैसे जी, तो हमने जब शिल्पी राज मतलब बहुत ही फेमस है तो बहुत प्यारी है और भैया ने पहली बार चांस दिया था उनको अपनी तो जैसे तैसे में और इन्होंने बोला था कि कोई भी उभरता हुआ टैलेंट है ये बहुत ही प्यार देते हैं और वो पता नहीं इनके अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस है कुछ। हाँ ये इस मुद्दे पे थोड़ा सा अगर आप बात करते तो कैसे मतलब कैसे पता चलता है? देखिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप उस लेवल अहदा पर पहुँचे हैं या उस बड़े लेवल पर अगर आपको दुनिया ने बनाया है तो आप अपने कीर्तिमान से और अपने ऊर्जा से 10 और ऐसे ऊर्जावान लोगों को लेके आइए ताकि पृथ्वी सिर्फ खेसारी से नहीं चल सकती और इस पृथ्वी पर सिर्फ खेसारी का हक नहीं है। मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का हक है हर कलाकार का जो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और बेहतर कर रहा है, तो हमारी सोच जो है कि हम कोशिश करते हैं कि भाई वो और बेहतर करे और उसको और बड़ी प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी चीज़ों को रख सके, अपनी बातों को रख सके, अपनी ऊर्जा को दुनिया को दिखा सके कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें प्यार करने वाले लोग होते हैं, तो हमारे लिए वो एक तीर्थ यात्रा की तरह होती है और हमारे लिए वो पूजनीय धरती हो जाती है, वहाँ के लोग हो जाते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर शहर में जाकर हम अपनी कला को लोगों को दिखाएं ताकि अपनी भाषा से दुनिया जुड़े और अपनी भाषा को हर आदमी प्यार करना शुरू करे, जो कि आजकल अधिकांश लोग हिंदी की तरफ बाकी भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है और उसी लेवल के आज की सोच के हिसाब से बद्री भैया ने जब से आए हैं तब से आज की जनरेशन को सोच के ये हर वो काम को करते हैं ताकि हम सब का भला हो और हमारे भाषा का भला हो।